ये प्रॉपरली सेट हो गई है अपन को, ठीक है। अब ये जो अंदर धागे का ये बंडल है दोस्तों, बता दूं ये 40 रुपए का आता है, अगर यहाँ तक मिला के पकड़ लिया आप देखना दड़ा टूटेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे कृषि पोल्ट्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज जो है आपको बताने वाले हैं कि जो हम शिलिंग करते हैं उसकी मशीन जो है वो कौन सी है और कैसे उसकी सिलाई करते हैं और उसको सिलाई करने के बाद में हम कैसे उसको लगाते हैं, ये चीज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों काफी कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप शिलिंग करने के अंदर जो मशीन बताने वाले थे वो चीज बताए। मैं एक्चुअल में उसमें वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको मशीन भी बताऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया वीडियो बनाते बनाते और हमने वीडियो एंड कर दिया था। तो मैं इसके ऊपर जो है अलग से वीडियो आपको बना के डाल रहा हूँ दोस्तों कि वो मशीन कौन सी है। मशीन दोस्तों जो अपन कट्टे जो बैग होता है अपना उसका मुंह सिलते हैं वही वाली मशीन है। ये देखिए ये मशीन है, आपको प्रॉपरली बता दें, इसको जो है उसको सीने के लिए यहाँ से पकड़ के और ये यूँ कट्टा सीते हैं अपन मुंह। लेकिन अपन को क्या करना है कि अपन को तो नीचे बैठ के सीना, ऐसे तो कट्टे सी नहीं सकते, तो इसके लिए हमने जुगाड़ बनाया। देखिए दोस्तों हम किस प्रकार करते हैं। ये हमारा लाइट का बोर्ड आ रहा है जो अंदर से हमने लाइट फिटिंग कर रखी है बेटा, वो ईटे दें तो फिर अपन को इस तरह का प्रकार जो इसको सेटअप करना है, ठीक है। सेटअप करके और नीचे ईट ऐड पड़ी बेटा, इस प्रकार सेटअप करके ये अपना लाइट है, इसमें अपन पिन लगा देंगे और ये जो ईट है इसके निचले हिस्से पे यूं लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया और एक ईट को अपन इधर लगा देंगे और एक इधर नीचे लग जाएगी। ये प्रॉपरली सेट हो गई है अपन को, ठीक है। अब ये जो अंदर धागे का ये बंडल है दोस्तों, बता दूं ये 40 रुपए का आता है, अगर अपन दो बंडल लेके आ जाते हैं तो अपना पूरा फार्म के अंदर शिलिंग हो जाती है, इसका ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। और ये मशीन की कॉस्ट में बता दूं दोस्तों, ये 5000 की मशीन आई है मेरे, जिसको इसको 5-6 साल हो गई है, प्रॉपरली यही चल रही है, कुछ भी नहीं खराब होता है उसमें, अंदर गंदगी जम जाती है तो उसको सफाई करी और दोबारा वही करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलिंग सिलाई जो अपन किस प्रकार होती है इसके अंदर। ये बहुत स्पीड से चलती है दोस्तों, लाइट से चलने वाली मशीन है। तो अपन जो ये कट्टा आता है इसको अपन काट करके और इसको जो है अपन को अगर हल्की सिलिंग करनी है, अगर ठंड कम है तो इसको यूं चीर करके इसको सिंगल लड़ी भी बना सकते हैं जैसे ये है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा मैं करता नहीं, बहुत हल्का हो जाता है। अपन को शिलिंग मजबूती के लिए कर रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा हार्डली होना चाहिए, तो मैं पूरे का पूरे कट्टे की शिलिंग करता हूँ, ठीक है ना। एक बैग और दे बेटा। तो अब देखिए पहले अपन को इस तरफ मिलाना है, सिलिंग सिलाई करते टाइम जो है अपन को खास तौर पे इधर मिलाने का ध्यान रखना है, क्योंकि मशीन जो है फास्ट चलती है दोस्तों, क्योंकि ये लाइट से चलती है तो ये तो बहुत खतरनाक स्पीड से चलती है। अभी दिखाऊंगा आपको, देखना ये दोनों मुंह मिलाए, यहाँ लगाए और यहाँ चूचे दोस्तों यहाँ पे। तो अभी चालू करेंगे इसका बटन। वैसे इसको अपन लकड़ी के पाटिए पे भी सेट करा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ रखने की दिक्कत है इसलिए मैं इसको खुली रख रखा हूँ, नहीं तो इसको अपन जो है आराम से बैठ करके भी सी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप ये देखो दोस्तों, अब इसको मिलाना जरूरी है अपन को प्रॉपरली, अब यहाँ तक मिला के पकड़ लिया आप देखना दड़ा टूटेगा। यूँ चलती है ये, अपनी मारुति कार चलती है ना उस स्पीड से चलती है, खतरनाक, बहुत शानदार मशीन लगती है। अब क्या है कि अपन अगर इसको अपनी घर वाली सिलाई मशीन से चलाना चाहते हैं दोस्तों तो वो नहीं हो पाता है। तो आप देखो दोस्तों ये सिलिंग किस प्रकार हुई है, एक बार दिखा देखिए कितनी साफ सुथरी सिलाई हो रही है, ठीक है ना। इसको लंबा करके पकड़ बेटा, चल ये देखिए लंबो कर, ये देखिए दोस्त सिल गया। इस प्रकार अपन को जो है आधे घंटे में तो अपन शटाशट बहुत कट्टे सी देंगे। दूसरा देख दे बेटा, कुछ नहीं करना, पहले सिंगल कट्टे की लीरी बना लेंगे, फिर अगर डबल अपन को करनी है तो दोनों को यूं मिला करके डबल सी लेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। कट्टे के अपने पैसे लगते ही नहीं है क्योंकि बारदाना अपना खाली होता है, फिर का वही वाले कट्टे हैं, इसमें अलग से अपन को मोल लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हमने लंबी वन कट्टे की लीरी बना ली है क्योंकि यही कम पड़ रही थी हमारे। तो अब इसको हम कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं, प्लीज़ आप जो है वीडियो में बने रहें।
और ये हमारी मशीन का काम अभी होल्ड हो गया, फिर वापस आके फिर और करेंगे, क्योंकि अभी 50% फार्म में और शिलिंग करनी है दोस्तों, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है, रात से ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। तो सुगना के बर्ड्स को जो है सीलिंग में रखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर सीलिंग में नहीं रखे तो हेडलिंग होने का बहुत चांस होता है। अगर ये अगर कोप का बच्चा होता है तो 8-9 दिन पे अपन सीलिंग खोल देते हैं दोस्तों, लेकिन इस बर्ड्स में क्या है कि अपन को प्रॉपरली जो है टेम्परेचर बना के रखना पड़ेगा, तो पैकिंग अपन को रखनी पड़ेगी, दिन में अपन पैकिंग खोल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हेडलिंग होगी दोस्तों, और हेडलिंग अगर नहीं भी होगी ना बच्चों, बच्चे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बॉडी वेट नहीं गेन करेगा, पीछे जाके इक्वली पकड़ेगा, वाटर इंटेक नहीं उठाएगा, तो ये दिक्कत होती है। अपन को सीलिंग में रखना है इसको, बर्ड्स को। देखते हैं कितने दिन तक ये, जब तक 1 kg का नहीं होगा जब तक अपन इसको सीलिंग के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों प्लीज आप वीडियो बने रहे, आपको हम दिखाने वाले हैं कि सीलिंग अंदर कैसे लगा। तो दोस्तों हम अंदर आ गए हैं और हम जो है पहले आपको बर्ड्स दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में वो बच्चा तार बांध रहा है, इस वाले बॉक्स के अंदर सीलिंग अपन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके अंदर आज जो है बच्चों को अपन स्पेस देंगे, ठीक है ना। तो अपनी वन साइड की जो है पूरे फार्म आधे में बर्ड्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोसेस होगा अपना, उस साइड में बर्ड्स छोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, वहां से आएंगे यूं एकदम से, इधर नहीं खोलेंगे, पहले जो है 3 पिलर की भी अपन सीलिंग करेंगे उधर उस साइड की, और बर्ड्स को जो है यूं आडा क्रॉस लगा करके यूं लेके आएंगे धीरे धीरे अपन, ठीक है ना। तो अभी एक बार बर्ड्स देख लिए दोस्तों, अभी इस कंडीशन में बैठे मैं उठा रहा हूँ बर्ड्स को, देखना एक मॉडलिटी हो गई दोस्तों, इसको अभी चेक करेंगे क्या नाटक है इसका। तो आज एक ही मॉडलिटी मिली है अपन को, और ये देखिए ये बर्ड्स की कंडीशन है। तो दोस्तों आप जो है हमारे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारे बर्ड्स कैसे हैं और हमारा मैनेजमेंट कैसा है दोस्तों। अब देखिए लास्ट खाने के अंदर हमने यहाँ पे तार बांध दिया है, और अब इसके से अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। इस तरह छपरा बनाना है अपन को, हमको ये भी चीज बताइए दोस्तों कि हमारी वीडियो बनाई है हमने जो आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लगाए, ताकि हम मोटिवेशन हो। क्या है कि हमें जो है आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। अगर आप हमको मोटिवेट करते रहोगे तो हम जो है एक से एक वीडियो आपको बना के डालते रहेंगे। तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल पे अगर नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लोग देखते तो बहुत है दोस्तों, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ये हमारा मैनेजमेंट आज 7 दिन का कम्प्लीट हो गया दोस्तों। तो जिस जिस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाने को लगता है कि इस पर बनाना चाहिए, उस पर हम बना के डाल रहे हैं दोस्तों। फिर भी अगर कोई पॉइंट अगर छूट रहा है और आपको लगता है कि उसके बारे में हमें बताना चाहिए, तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि जो है हम उस पर भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सके दोस्तों। दूसरी चीज़ एक और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, कि अगर हम जो आपको बता रहे हैं वीडियो के अंदर हमारे पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट, उससे जो है कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों ने अपने काम करने का तरीका चेंज किया है। अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी लोग मोटिवेट हुए, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि YouTube से पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मेरा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों से जुड़ना, मैं आपके संपर्क में रहना चाहता हूं सदा के लिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय श्री राम।